वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं सेवन क्लास में आर है आत्मकांड और उसमें हमने पिछली वीडियो में रविंद्रनाथ ठाकुर का कवि परिचय उनसे संबंधित जो कविताएं रचना है और कविता का मूल भाव हमने पढ़ लिया था। इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है। आज हम इस वीडियो में आत्मकांड कविता का पहला अध्याय है, इससे संबंधित शब्दार्थ और भावार्थ पढ़ेंगे। इस कविता इस पद में जो शब्द आते हैं वो देखते हैं। करुणा में कविता में कहा दूसरों पर दया करने वाला अर्थात ईश्वर। करुणा में करुणा के साधन दूसरों पर दया करने वाले अर्थात ईश्वर दया के साधन। दूसरे नंबर विपदा 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 यानी कि विपत्ति मुसीबत विपदा विपत्ति मुसीबत भय डर अवश्य
और दुख विपत्तियां मुसीबतें आए उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, इतनी सामर्थ्य मुझ में भर दो अपने दया के सागर। हे करुणा में हे ईश्वर इतनी मेरे कोई मुझ में सामर्थ्य शक्ति प्रदान करो मुझे, मैं उन दुखों से उन विपत्तियों का सामना करने के लिए तत्पर। कोई कहीं सहायक न मिले, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल कुछ नहीं दे, चाहे मुझे मार दो, जो भी मैं मेरे सामने विपत्ति या मुसीबतें या जितनी भी विपदाएं आएगी उनमें कहीं मुझे कोई सहायता करने वाला, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं मिले, कोई मददगार मुझे नहीं मिले, और ना करना तो अपना बल पुरुष में दो, मेरा पुरुषार्थ है, ताकत है, इसका देखा है हमने बल पुरुष ताकत पराक्रम, तो अब कोई मुझे मददगार नहीं मिले, मेरी सहायता करने वाला नहीं मिले, तब भी मेरा हे परमात्मा ईश्वर तब भी मेरी ताकत और मैं बल मेरे पराक्रम से मैं उस अग में डगमगाऊ नहीं, मैं मजबूत से उसका सामना करने के लिए तैयार। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना नहीं, हे करुणा में हे ईश्वर चाहे मुझे संसार में इस संसार में जितनी ही हानि उठानी पड़े कितना ही नुकसान उठाना पड़े पर मैं लाभ अगर वंचना नहीं, यानी कि वंचना करना दोहा वाला, चाहे मैं इस संसार की जगत में कितना ही दोहा पाऊं मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो इस दोहा का करते के भी तो भी मैं ना पाऊं चाहे तो भी मेरा मन व्यथित हो, मेरे में इस मन का क्षय यानी कि नाश नहीं हो, मेरा मन प्रिय नहीं रंग पाता है, मैं पूरी सामर्थ्य के साथ पूरी पराक्रम के साथ मैं जो भी उसमें मैं उपत्ति हूँ उनका सामना करने के लिए तत्पर रहूँ, तैयार हूँ, हे दया के सागर हे करुणा में मुझ पर आप अपनी कृपा अवश्य कर दीजिए। उन्होंने आज कविता का मेरे भावार्थ और शब्द देखे हैं, आप अपनी वीडियो में उससे अगला पद कविता का अगला पद और उससे संबंधित शब्द पढ़ेंगे।